गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम लोग कक्षा छठी की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग एक का पाठ संख्या 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें करने जा रहे हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें एक कविता है। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 2011 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम तारिफ सिंह और मां का नाम परम देवी था। शमशेर 8 व 9 साल के ही थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में ही हुई। बाद की शिक्षा उन्होंने गोंडा और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1935 और 36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला का प्रशिक्षण लिया, यानी उन्होंने आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्ष का उनका वैवाहिक जीवन रहा। उसके बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। टीबी नामक रोग से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला ये जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। काल ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। उनके कविता संग्रह कुछ और कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये कविता संग्रह हैं। दो आप नामक उन्होंने निबंध संग्रह लिखा, प्लॉट का मोर्चा कहानी संग्रह। उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए मिला और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिला और 1990 में उन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वीडियो के द्वारा हम चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का जो है आदर्श स्वस्वर पाठ करेंगे, फिर उसके शब्दों के अर्थों को जानते हुए हम उसकी व्याख्या करेंगे, कवि के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। आइए पढ़ते हैं हम कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। पहले इस कविता का कविता का परिचय जानना भी आवश्यक है। यह कविता जो है कवि ने इस संदर्भ में लिखी है कि 10 व 11 साल की एक लड़की जो है एकांत में बैठी चांद से गप्पे लड़ कर रही है। गप्पे यानी गप्पाजी हो रही है। आप भी मेरे साथ इस कविता का वाचन करें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जीवा, हमको बुद्ध ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस कविता की पंक्तियों में लड़की कह रही है, वह चांद से बतियाते हुए कह रही है, गोल है खूब मगर आप गोल तो हैं खूब, मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, जरा यानी थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हैं, आप गोल भी हैं लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश
चांद जो है उसको कह बता इंगित करते हुए लड़की कह रही है, आपने कुल आकाश यानी पूरा का पूरा आकाश पहन रखा है। आकाश कैसा है? तारों जड़ा, यानी आकाश की विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि वह तारों से जड़ा हुआ आकाश है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपने केवल अपना मुंह खोल रखा है, बाकी सब जगह आपने तारों जड़ा आकाश पहन रखा है। गोरा चिट्टा, चिट्टा यानी सफ़ेद। गोल मटोल, मटोल शब्द जो है वह मोटा शब्द से बना है। यहाँ पे दो युग्म शब्द बताए गए हैं। इन सब पंक्तियों के का अर्थ ये है, गोल है खूब मगर, लड़की कहती है चांद से कि आपका खूब गोल आकार है लेकिन कभी कभी आप तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आपने पूरा आकाश पहन रखा है। वह कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? वह तारों से जड़ा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपने सिर्फ अपना मुंह खोल रखा है। और वह मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा यानी सफ़ेद। गोल मटोल, गोल है और मोटा भी है। अगली कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम लोग। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। आपने अपनी जो ये पोशाक है, जो आकाश रूपी पोशाक आपने पहन रखी है, उसको आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है। स्मित यानी दिशा, चारों ही दिशाओं में फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, लेकिन कभी कभी ये गोल मटोल जो चांद है वह कभी कभी तिरछा नज़र आता है। खूब है गोकी, हालांकि खूब बात है ही, वह जीवा, यहाँ पर इन शब्दों में विस्मय आश्चर्य की मुद्रा बताई है, विस्मय के भाव बताए हैं। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, लड़की कह रही कि आपने हमें क्या केवल बुद्धू समझा है। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। वह लड़की कह रही है, अगर ये आपका जो तिरछा होने का, कभी गोल मटोल नजर आने का ये जो कारण है, उसके लिए कि आपने हमें बुद्धू ही समझ रखा है। वह बता रही है आगे की पंक्तियों में, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वह बता रही है चांद को एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कभी कभी तो चांद घटता है तो इतना घटता चला जाता है कि वह दिखाई नहीं देता, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं तब तक, सांस नहीं लेते हैं, चैन नहीं लेते हैं तब तक, कब तक? जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज यानी बीमारी, यह मर्ज आपका जो है यह यानी बीमारी है, यह ठीक ही नहीं होने को आ रही है। यह कविता के अंदर के जो भाव हैं बहुत ही सुंदर है। एक लड़की की सोच, उसकी विचार बताए गए हैं, वह किस प्रकार चांद से गप्पे मार रही है। चांद जो हर बच्चे का जो है एक दोस्त होता है, कहानियों में, कविताओं में हमने चांद के कई रूप देखे हैं। हमने हमारी माँ से लोरी में सुना है कि चांद जो है हमारा मामा है, उसे हमने कल्पनाओं में अपना मामा मान रखा है। हम उनसे बात भी करते आए हैं। हमारे आसपास कि जो है हम लोग चांद की पूजा भी करते हैं। हमने आसपास में देखा है कि चांद किस प्रकार जो है वह सबके साथ बनता है। सब जब चलते हैं तो चांद हमारे साथ साथ चलता है ना। बच्चे उसके साथ किस प्रकार खेल खेलते हैं, कल्पनाओं में उसके साथ खो जाते हैं। यहाँ पर भी 10-11 साल की एक लड़की अपनी कल्पना में चांद से बातें कर रही है, गप्पे कर रही है, और उसने उस चांद को ये जो घटने बढ़ने का जो उसका क्रम है उसको एक बीमारी माना है। लेकिन हमें इसके साथ ही इस चीज़ का ज्ञान है हमें कि हमने सामाजिक अध्ययन में और विज्ञान में पढ़ रखा है कि चांद का ये जो घटने बढ़ने का क्रम है वह पृथ्वी द्वारा सूर्य का जब चक्र लगाया जाता है, जब परिक्रमण करते हैं, तो उस समय पृथ्वी के साथ साथ चांद भी सूर्य का परिक्रमण करता है। उसी की वजह से ये दिन रात बनते हैं, वर्ष बनता है उनका। ये पूरा परिभ्रमण जो है पूरे एक वर्ष में पूर्ण होता है, और इस वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, जिसकी शुरुआत चैत्र से होती है,
चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। इसी तरह से चांद वर्ष के अंदर दो आयन होते हैं। जब हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है तब उसे दक्षिणायन कहते हैं, और जब तापमान घटने लगता है तब उसे उत्तरायण कहते हैं। इस प्रकार चांद का घटने और बढ़ने का क्रम होता रहता है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह में चांद घटते घटते जो है वह इतना घट जाता है कि वह दिखाई नहीं देता। यह अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के दिन चांद आकाश में दिखाई नहीं देता, वह पृथ्वी के चारों तरफ चांद के परिभ्रमण के कारण होता है। और चांद बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरा ही गोल आकार ले लेता है, उस दिन हम इसे पूर्णिमा कहते हैं। यह भी चक्र, जब पृथ्वी के आसपास जब चांद परिभ्रमण करता है तब एक दिन ऐसा आता है जब हमें चांद पूरा पृथ्वी से दिखाई देता है, और यह पूर्णिमा का दिन होता है। तो हमने इस कविता के साथ साथ चांद के परिभ्रमण और पूनम अमावस्या का ज्ञान भी हमें यह कविता कविता के रूप में ही हमें मिल जाता है। कवि ने यहाँ पर तुकबंदी का कम प्रयोग किया है, यहाँ पर उन्होंने बिंब का प्रयोग किया है। यह नई कविता है। नई कविता के कवि शब्दों का एक ऐसा प्रयोग करते हैं कि वह हमारे सामने एक कुछ चीज़ को चित्र के रूप में उभार देते हैं, और वह बिंब कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो चांद है पूरा गोल मटोल, तो हमारे सामने एक चित्र उभर आता है कि किस प्रकार चांद गोल है, किस प्रकार तिरछा नज़र आ रहा है। आकाश के लिए भी इन्होंने बताया है कि तारों जड़ी आकाश है। कभी कभी कवि जो है अपने शब्दों को इस प्रकार से लिखने के लिए जोड़ देते हैं कि वो जो उनके भाव होते हैं वह हमें पूर्ण रूप से दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कविता में बी ल कू ल, यह कोई टाइपराइटिंग की जो है एरर नहीं है, क्योंकि नीचे देखिए अगली पंक्तियों में है दम नहीं लेते हैं जब तक बी ल कू ल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। अब अगली पंक्ति में उन्होंने बिल्कुल गोल को एक साथ लिखा है। जैसे हम बोलते हैं प्रायः सामान्य अपने व्यवहार में, लेकिन बी ल कू ल यानी उस शब्द पर जोर दिया गया है। कवि चाहते हैं कि हम भी उस शब्द पर जोर देकर पढ़ें ताकि उसके भाव को हम वैसे ही ग्रहण कर सकें जैसा कवि चाहता है। दम नहीं लेते बी ल कू ल यानी थोड़ा बहुत भी नहीं, पूर्ण गोल जब तक हो जाएगा, वो होता है पूर्णिमा का दिन, है ना। क्योंकि चतुर्दशी का जो चांद है उसमें और पूर्णिमा के चांद में जरा सा अंतर है, वो हमें दूर से नहीं दिखाई देता। यहाँ बात हो रही है पूर्णिमा के चांद की, जब वो पूरा ही गोल है। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यानी यह जो आपको बीमारी है, बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने अपने विचारों को एक लड़की के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मर्ज यानी बीमारी, कवि एक बहुत ही सुंदर कल्पना के आधार पर और शब्दों के द्वारा, शब्दों के जरिए से उन्होंने इस पूरे अध्ययन को एक कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और चंद्रमा के इस परिभ्रमण से जो दिन रात बनते हैं, जो मौसम बनते हैं, जो वर्ष बन रहा है, इसको पूरे एक शब्दों के रूप में, कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यह कविता हमें वर्ष, मास और चांद का ये जो रूप है उसके बारे में भी ज्ञान देती है। क्योंकि चांद देखिए पूर्णिमा होने के बाद पुनः वापस धीरे धीरे घटने लगता है, और घटते घटते अमावस्या के दिन इतना घट जाता है कि वो बिल्कुल गोल गोल न हो जाए, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाए। गोल होना एक इस शब्दों में भी प्रायः यूज़ किया जाता है, वो तो गोल ही हो गया यानी गायब हो गया। और एक होता है गोल आकार के रूप में, और ये किस दिन होता है, यह पूर्णिमा के दिन होता है जब चांद पूरा आकार में गोल हो जाता है और हमें गोल आकार में दिखाई देता है आकाश में। शमशेर सिंह बहादुर की यह कविता जो है बड़ी ही अच्छी, कम शब्दों में इन्होंने इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान को लिए हुए हैं,
और इसमें आए कठिन शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। खूब, जिसका अर्थ होता है ज़्यादा, ज़रा, थोड़ा। खूब का शब्द का हम वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, उसने खेल का खूब मज़ा लिया। खूब जो है विशेषण के रूप में भी काम प्रयोग में किया जाता है। ज़रा, मुझे ज़रा बात करने दो, मतलब मुझे थोड़ी सी बात करने दो। पोशाक यानी कपड़े, देखो मेरी पोशाक कितनी सुंदर है, मेरी गुड़िया की पोशाक नई है। स्मित, स्मित का अर्थ होता है दिशा, कविता में शब्द आया है, इससे हमें एक नए शब्द की जानकारी प्राप्त हुई है। स्मित यानी मेरे, स्मित पेड़ ही पेड़ है, मेरी चारों दिशाओं में पेड़ ही पेड़ है। गो की, हालांकि, यों तो मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, गो की मुझे लाल पेन बहुत पसंद है, यानी वैसे तो मेरे पास बहुत से पेन हैं, हालांकि मुझे लाल पेन ज़्यादा पसंद है। मर्ज यानी बीमारी, काका जी को नया मर्ज हो गया है, या उन्हें खांसी का मर्ज है। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपने चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता को न केवल पढ़ा होगा, उसके भाव को समझा होगा, और यह वीडियो आपको उसके कविता के भावार्थ को समझने में मदद करेगा। और इस शब्द अर्थ के साथ हमने इस में पाठ में आए वाक्य, जो नए कठिन शब्द हैं उनका वाक्य प्रयोग भी किया। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको इस कविता को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।